या एक बड़ी फिल्म है। और ऐसा क्यों होता है कि कला के क्षेत्र में, खेलों के क्षेत्र में, रचना के क्षेत्र में अफसरशाही आड़े आती है? जो देश के अभिमान की बात करते थकते नहीं, वे ही उसको चकनाचूर करने में जुट जाते हैं। भारतीय फुटबॉल टीम के मैनेजर और कोच सैयद अब्दुल रहीम के जीवन पर आधारित अमित शर्मा की मैदान 4 साल से प्रतीक्षित थी और जिसके बारे में अनेक कयास लगाए जा रहे थे कि वह कभी पर्दे पर आ ही सकेगी या नहीं, वह जब आज हमारे सामने प्रस्तुत होती है तो इस समय के हिंदी सिनेमा के सूखाग्रस्त वातावरण में एक ठंडी फुहार की तरह आती है जो हमें मंत्रमुग्ध कर देती है। सैयद अब्दुल रहीम की भूमिका में अजय देवगन ने प्राण फूंक दिए हैं इस तरह कि वे कहीं से अजय देवगन रह ही नहीं जाते, वे सचमुच उसी भूमिका में रम जाते हैं। और वह खेल जो सारी दुनिया में सबसे अधिक लोकप्रिय है और अब पिछले 70 सालों में जब रहीम ने पहली बार एशिया कप में हमें विजय दिलाई थी, हम गोल्ड जीतने में कामयाब हुए थे, उसके बाद इस खेल पर जैसे विराम ही लग गया। ऐसा क्यों होता है कि कला के क्षेत्र में, खेलों के क्षेत्र में, रचना के क्षेत्र में अफसरशाही आड़े आती है, राजनीतिकता आड़े आती है? वे समाज के बड़े और प्रबुद्ध लोग आड़े आते हैं, जो देश के अभिमान की बात करते थकते नहीं, वे ही उसको चकनाचूर करने में जुट जाते हैं। परंतु सारे संघर्षों के बीच कैसे एक आदमी अपनी लगन से, अपनी प्रतिभा से, अपने जज्बे से वो सब करने में कामयाब हो जाता है जो नामुमकिन दिखाई देता है? कैसे संगठित किया जाता है, कैसे टीम बनाई जाती है और उस टीम के साथ कैसे संघर्ष को रूपायित किया जाता है? इसी तरह से जज्बे के साथ बेशक शाहरुख खान ने चक दे इंडिया में भी हॉकी के खेल को प्रस्तुत किया था, मगर मित्रों, मुझे यह कहने में कोई संकोच नहीं है कि उससे भी आगे जाकर बगैर किसी बड़बोलेपन के, बगैर किसी पेचीदा नाटकीयता के, बगैर किसी चीख चिल्लाहट के, बहुत सहजता से, बहुत रूमानी सहजता से अजय देवगन ने प्रस्तुत किया है। इसमें गजराज राव और अन्य अभिनेताओं ने भरपूर सहयोग दिया है और गजराज राव तो ऐसा प्रतीत होता है जैसे सचमुच हमारे सामने उत्पल दत्त खड़े हो गए हों। यह एक अद्भुत फिल्म है। इस फिल्म पर आज इतना ही कह सकता हूँ और इतना ही कहना चाहिए कि इसे आप खुद देखिए, इसको महसूस कीजिए और इसके विशाल परिप्रेक्ष्य को, इसके विशाल क्षितिज को देखिए कि ये क्या क्या कह रही है। ये आपसे अपने मुल्क के निर्माण के लिए क्या क्या कह रही है, ये आपसे अपनी कलाओं की, अपने खेलों की, अपने जज्बातों की और अपने परिदृश्य की रक्षा के लिए किस तरह से इंगित कर रही है, आपको समझा रही है या बड़बोलेपन से नहीं, आपके भीतर एक आवेग पैदा करके समझा रही है, एक प्रसन्नता पैदा करके समझा रही है, एक भावनात्मक संघर्ष पैदा करके समझा रही है और एक गहरी चुभन के द्वारा समझा रही है कि देखो, इस तरह उलझो नहीं, ये उन लोगों से
जो अपने स्वार्थों के लिए समाज को पीछे ले जाने से चूकते नहीं। यह एक बड़ी फिल्म है और छोटे से परिदृश्य को रूपायित करने के जज्बे के साथ बड़े बड़े दृश्य हमारे सामने उकेर देती है और हमें समझा देती है कि देखो इस चीज़ को किस तरह से आप अपने जीवन को सौंदर्य युक्त करने में, अपने जीवन की गलतियों को सुधारने में, अपने बेईमान परिदृश्य को बदलने में, कामयाब होने में लक्षित कर सकते हैं, इस्तेमाल कर सकते हैं, और कैसे इस फिल्म को जीवन के आनंद के रूप में आप अपने भीतर संजो सकते हैं। इसको देखिए, महसूस कीजिए, ये आपके जीवन का एक अनुभव साबित होने वाली है। शुक्रिया, धन्यवाद।